नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A2Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने KCC खाते में सिर्फ ब्याज का पैसा जमा करके अपने खाते को रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका खाता रिन्यू नहीं होगा यानी जब तक आपके खाते का पलटा नहीं होगा तब तक दोस्तों आपको 3% सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से यह कमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर अगर हम अपने KCC खाते में सिर्फ ब्याज का पैसा जमा कर दें तो क्या हमारा KCC खाता रिन्यू हो जाएगा यानी हमारे KCC खाते का पलटा हो जाएगा, हमें 3% सब्सिडी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर हम सिर्फ ब्याज जमा कर दें तब हमें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, जिन कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं तो आधा अधूरा कर पाता हूं, क्योंकि विस्तार से जानकारी आप लोगों के कमेंट में नहीं दे पाता हूं। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को एक वीडियो बना करके इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दे देता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आप लोग सिर्फ अगर ब्याज भर का पैसा जमा करते हैं तब आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आपके KCC खाते का पलटा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आज इसी विषय पर मैं आप लोगों को आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते में ₹3,00,000 तक के लोन पर आपको 7% ब्याज वार्षिक देना होता है। वहीं दोस्तों अगर आप बैंक से लिया हुआ पैसा एक वर्ष के अंदर बैंक को ब्याज समेत पूरा वापस कर देते हैं तब दोस्तों सरकार के द्वारा आपको 3% की सब्सिडी भी मिल जाती है, यानी तब आपको ₹3,00,000 तक के लोन पर सिर्फ 4% ब्याज ही वार्षिक देना होता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर अगर हम अपने KCC खाते में एक साल के अंदर सिर्फ ब्याज का पैसा जमा कर दें, मूलधन ना जमा करें, तब हमें 3% की सब्सिडी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका जवाब है ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो सिर्फ अगर आप ब्याज का पैसा अपने KCC खाते में एक साल के अंदर जमा कर देते हैं तब वो आपके खाते को रिन्यू कर देते हैं यानी आपके खाते का पलटा कर देते हैं और आपको 3% की सब्सिडी मिल जाती है। वहीं दोस्तों कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आपसे पूरा पैसा जमा करवाते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने अपने KCC खाते से ₹2,00,000 निकाले, अब आपका ब्याज समेत अगर एक साल के अंदर ₹2,10,000 या ₹2,20,000 हो रहा है तब दोस्तों आपको पूरा ₹2,20,000 जमा करना होगा। जब तक आप ₹2,20,000 पूरा जमा नहीं करेंगे यानी आपका खाता जब तक क्रेडिट में नहीं आएगा तब तक आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों कुछ बैंक ऐसे भी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका खाता ₹2,20,000 हो गया है यानी आपने 2,00,000 निकाले थे और एक साल में आपका जो अमाउंट है वो ₹2,10,000 या ₹2,20,000 हो गया है, तब दोस्तों जो भी ब्याज का पैसा है चाहे वो 10,000 हो या 20,000 हो, आप अगर वो ब्याज का पैसा बैंक को दे देते हैं बैंक आपके खाते को रिन्यू कर देता है यानी आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि आपका बैंक आपका सिर्फ ब्याज लेकर के ही आपके खाते को रिन्यू कर दे। कुछ बैंक हैं जो आपके खाते को रिन्यू कर देते हैं यानी आपके खाते का पलटा कर देते हैं, जो बैंक आपके खाते को ब्याज लेकर के पलटा कर देते हैं उनमें आपको सब्सिडी मिल जाती है। वहीं जो बैंक ब्याज का पैसा लेकर के आपके खाते का पलटा नहीं करते यानी आपके खाते को पूरा रिन्यू नहीं करते हैं, उन बैंक में अगर आपका KCC खाता है तब दोस्तों वहां पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये आपकी बैंक पर डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपके ब्याज के पैसे में आपके खाते को रिन्यू करता है या नहीं करता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप अपने KCC खाते में सिर्फ ब्याज भर का पैसा जमा करते हैं तब आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।